अभी जस्ट ऐसा हो जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन पता है जब कुछ लोग बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे मैसेजेस लिखते हैं, मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू लखनीत ब्लॉग। सुबह सुबह एडिटिंग वाला सारा काम निपटा लिया है, चाय पियेंगे, उसके बाद दोबारा न्यूयॉर्क जाना है अपने को। आज बहुत सारी जगह जो रह गई थी उस दिन वो एक्सप्लोर करनी है हमें, और थोड़ा सा मार्केट का भी काम है। यह हमारे ब्लॉग सेव हो रहे हैं, मैस हो रखी है पूरे रूम की, और नीतू नाली नमिता आंटी जी का मैसेज आया है, मैंने अभी व्हाट्सएप चेक किया एंड कॉन्टिन्यूसली पूछ रही है कि तुम कैसा खाना खाते हो, बच्चों को कोई एलर्जी तो नहीं है? मतलब बहुत अच्छे हैं वो। मैं पहले कभी कभी मैं सोचती हूँ, क्यों हम लोग काफ़ी लोगों से मिले जो कि हमारे लिए ठीक नहीं थे और अच्छे नहीं थे, लेकिन हमें होप नहीं हारनी चाहिए कि दुनिया में कहीं पर भी अच्छे लोग नहीं। सच में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग नमिता आंटी के बारे में नहीं जानते, तो आज मैं बताता हूँ। नमिता आंटी US में रहती हैं और वो हमारी सब्सक्राइबर हैं। उनके कमेंट्स हमेशा आते थे हमारे चैनल पे। ऐसे तो बहुत सारे लोग बोले कि हम भी कमेंट करते हैं तो वही क्यों, लेकिन पता है जब कुछ लोग बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे मैसेजेस लिखते हैं और बहुत टाइम तक कमेंट करते हैं, तो हमें याद हो जाता है कि यार इस यूज़र आईडी से कमेंट आते हैं और हमारे सपोर्ट में आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे मीनिंगफुल आते हैं। पता है मतलब उनसे एकदम ऐसा अटैचमेंट है जैसे मतलब मेरे को एकदम बच्चा मानती हूँ अपना। पता है आपको याद होगा जब कुछ टाइम पहले मेरे को वो एंग्जाइटी हुई थी, मैं हॉस्पिटलाइज था, तो मैंने वो व्लॉग डाला और आंटी बहुत ज़्यादा परेशान थी, रो रही थी। फिर आंटी ने मुझे बोला, वो ना देवी माँ की बहुत बड़ी भक्त है, आंटी ने मुझे बोला कि बेटा रात मेरी देवी माँ से बात हुई है, देवी माँ ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो तेरी रक्षा करेंगी। तो मुझे सुन के इतना अच्छा लगा कि यार कोई है जो, मतलब आप सब वैसे करते हो बहुत सारी प्रे हमारे लिए, इतना अच्छा लगता है कि यार कोई है जो हमारे लिए प्रे करते हैं हमेशा, वो आप सब हो। और नमिता आंटी US में ही रहती हैं तो उनको जब से पता लगा मैं यहाँ पे आया हूँ। वैसे मेरा सबसे बड़ा एक विश लिस्ट में ये भी था कि मुझे आंटी से मिलना है आके एक बार, तो अभी तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, एक दो दिन के अंदर हम टाइम लेके आंटी के पास पहुँचेंगे और आपको ज़रूर मिलवाऊंगा आंटी से मैं। क्या सुबह सुबह सोटा बाज गया क्या किसी पे? क्यों रो रहा है ये? अच्छा आपस में ही रो रहा है। हमारे दक्ष ने इतनी प्यारी सी बिल्डिंग बनाई, आयरा ने आके 2 मिनट में तोड़ दी, इसीलिए दक्ष हमारा रो रहा था अभी। बट दक्ष तो पता चैंपियन है, दक्ष 2 मिनट फिर से बिल्डिंग बना देगा। ले दक्ष भाई, आयरा आयरा, गाइस सच्ची बता रहा हूँ हमारी बहन का कुछ नहीं हो सकता, ये मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन इनको मैं किसी अच्छे डॉक्टर को दिखवाऊंगा। कल मैंने ऐसे ही बोल दिया मेरे को पूरी पसंद है, वो पूरी बनानी सुबह से उठ के। यार बहन चाट नहीं करी, 10 मिनट में बना दूंगी। नहीं क्यों बना दूंगी, लेकिन मैंने कब कहा? खाके चलेंगे, कोई बात नहीं, पूरे खाके चलेंगे। क्या हो सकता है यार? मैंने कहा मैं कोई सब्जी बना दूं, बताओ तो मुझे फ्रिज से धक्का दे दिया। मैंने ओ तेरे साथ हाथापाई हुई है? हाथापाई हुई है नीतू के साथ, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपनी बहन के स्टाइल की टमाटर प्याज की चटनी। ये जब हम खाते थे जब मम्मी नहीं होती थी घर पे और हमारे पास कुछ खाने का ऑप्शन नहीं होता था, तो मेरी बहन बनाती थी पूनम दीदी टमाटर प्याज की चटनी। आज मैं वही बनाऊंगी। ऐसा नहीं है हमारे पास ऑप्शन नहीं है, दीदी कहेंगी यहाँ पर तो खूब ऑप्शन है, ऐसी क्यों कह रही है? लेकिन ऑप्शन बहुत सारे, मेरा मन है खाने का। कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हो ना उससे पहले उसका साइज वगैरह देख लो कि यहाँ आएगा तो कैसे लगेगा। यार लगन वैसे एक बात है, क्यूट तो है, देख देख ना। ये देखो मैं अमेज़न से वो कर रहा हूँ अपना एक बॉटल। हाँ। और ये दिखाने इधर आना, कहाँ किसको दिखा रही है भाई? ये देखो इसने बिल्कुल ऐसे दिखा दिया कि वो बॉटल जब आएगी तो इतनी बड़ी होगी। हाँ तुम्हारी साइज की होगी, नहीं होगी? हेलो गाइज, वेलकम टू लखनी व्लॉग्स। तो सुबह सुबह आपको पता है कि मैं जल्दी नहा लेती हूँ क्योंकि मुझे हनुमान चालीसा पढ़नी होती है, इसलिए मैं सुबह नहाना जल्दी प्रेफर करती हूँ ताकि कुछ खाने से पहले, क्योंकि मुझे सुबह सुबह ना बहुत भूख लग जाती है। और मेरा यहाँ पर टाइम शेड्यूल यही हो चुका है, जैसे मैं 10 बजे सोती थी सुबह 4:30 बजे उठ जाती थी, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही हो रहा है, बीच में नो डिस्टर्बेंस नथिंग, जस्ट मैं सो रही हूँ 10:30 एंड 4:30 तक मैं उठ जा रही हूँ, तो बहुत अच्छा है। फिर एडिटिंग खत्म करके हम लोग 7 बजे में नहा लेती, उसके बाद फिर मैं हनुमान चालीसा पढ़ के अब मैं चली कुछ खाना बनाने। 3 दिन से थैंकफुली मैं कुछ ना कुछ बना रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर इंसान कहीं जाके रिलैक्स करता है और कुछ काम नहीं करता ना, तो बॉडी, मेरे ख्याल से बॉडी में कुछ ना कुछ करना चाहिए, मूवमेंट होनी चाहिए, चाहे आप कुछ खाना बना रहे हो, अपने कपड़े धो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो होना चाहिए। तो इसलिए मैं बिलीव करती हूँ कि खाना ये ठीक है, योगा नहीं हो रही है, एक्सरसाइज नहीं हो रही, तो खाना बन जाए, हाथ की थोड़ी मूवमेंट हो जाए, चॉपिंग हो जाए, तो ये सब। बाकी मेरी हनुमान चालीसा मेरे पास हमेशा है। खाना बनाने के बाद मुझे अपना रूम क्लीन करना है और मैं लखन का वेट कर रही हूँ, लखन जल्दी से आए नहाए ताकि वो मॉप हो जाए पूरा रूम, रोबोट जिससे होता है सारा घर का सामान, घर की क्लीनिंग वो हो जाए, मगर लखन नहाएंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं ना गाइस। इन दोनों के आगे हाथ जोड़ने पड़ते हैं, नहा लो नहा लो नहा लो, जीजू
आप लखन की तरह हो गए, लखन के साथ रहकर लड़की इतनी जल्दी उठ के भोजन ना लेती है इंडिया में भी। अरे यहाँ तो लेट आ रही है जीजू, यहाँ तो एडिट करने पड़ रहे इसको भाई, 7 बजे तक भाग के। और ये भी जीजू प्रेशर बनाती है। किस पे प्रेशर बनाती है जरा बताना, तुम तो तभी 9 बजे तक ही नहाते हो मेरे प्रेशर के बावजूद। दीदी ने रोटी सेक दी है और मेरी सब्जी भी ऑलमोस्ट, चटनी सब्जी नहीं है, मेरी सब्जी भी ऑलमोस्ट बन गई है। क्या कर रहे हो तुम? नहाने के लिए बोला ना तुम्हें, जीजू चलेगा नहाने। जीजू चलेगा नहाने? मेरे को पता है रूम क्लीन करना है। अच्छा ठीक, तुम्हें तो मजाक लगता है, घर कैसे चलता है पता है तुम्हें? नहीं। हाय रुको, आयरा हाय करो। आयरा हेलो कर दो। हाय आयरा, कुछ तो बोलो। ये दिन ब दिन मुझे ना, ये दिन ब दिन मुझे और क्यूट लगती जा रही है। दीदी कह रही है पता नहीं ये जीभ क्यों निकाल रही, जबकि पहले जीभ निकल रही है, ये इसको पता है क्यूट कैसे लगेगी। तुम्हारे साथ रह रही है तो फिर क्यूट नहीं दिखेगी, है ना? ना क्या, ठीक है बाय। ठीक है, रोटी तू भी रोटी खाने लगी हो? चलो ना क्या, सब्जी बहुत टेस्टी बनाई है, चटनी है सब्जी नहीं है। क्या खा रहे हो, हमें निकलना है। और जीजू को देखो बिल्कुल रेडी नहीं बैठे। जीजू रेडी, जीजू को चेंज करना है बस भाई। तुम कल के राजमा चावल, जीजू आपके लिए लगा दो खाना। नहीं नहीं, मैं अभी चाय पी रहा, मैं थोड़ा लेट चल रहा हूँ। अच्छा, मैं नीतू के खौफ से बच बच के घूम रहा था। नीतू सुबह नहा लेती है और सब पे प्रेशर बनाती है कि नहा लो नहा लो। यार जीजू मैं प्रेशर नहीं बनाती हूँ यार, आप लखन की तरह बोल रहे हो। और मैं नहाया नहीं था, तो साक्षी ने मेरे से बोला कि आयरा के लिए वो पहन के ले, मेरे को वहाँ नीतू बैठी है तो मैं वहाँ जा नहीं सकता। मेरे को फिर सुनाए भगवान। गाइस मुझे बदनाम किया जा रहा है, देखो हमें ले, मैं चाहती हूँ जल्दी टाइम से निकले, टाइम से काम हो, वरना अंधेरा है पर जल्दी हो जाता है, देख रहे हो भाई। पता है जीजू का बेस्ट क्या रहता है, जीजू की लाइफ में जो ट्रेजेडीज है ना छोटी छोटी, जीजू की तो एक्सप्लेन करते हैं सुनना कभी, मतलब हम मजा आता है जीजू की बात सुनना का तरीका भाई बहुत नया है। नहीं सच में हम हंस रहे थे आज व्लॉग जब लखन एडिट कर रहे थे ना, मैं साथ में बैठी थी तो मैं अपना व्लॉग एडिट कर रही हूँ, मेरे को साउंड नहीं चलती तो आपकी आवाज आ रही थी, आप कुछ बोल रहे थे कि सब्जी सब्जी वाला, तो नीतू ने बोला जीजू साहब ने मंगाया है ये गोभी मंगाया, अब देखते हैं जीजू अच्छा लाया नहीं, तो जीजू कहते हैं अच्छा क्या मैं उगा के तो लाया नहीं, जो मिल गया वो ले आया। मैं इतना हंस रहा था देख देख के। जीजू अल्टीमेट यार सच्ची। यस नितारा, नई बेडशीट, बेडशीट दीदी ने दी है, जीजू ने दी है बिछाने के लिए, लेकिन ये खुलेगी कहाँ से? अरे फाड़ देना, इसका क्या करेगी, इसको बेचेंगे थोड़ी हम पॉलीथीन को। अच्छा गाइस मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अभी हमारी कोमल दीदी है जो कि बैंगलोर में रहती है, हमें बैंगलोर में रहती है ना दीदी, एंड वो दीदी से हमारी बहुत बातचीत होती है, जैसे कि हमारी नमिता आंटी से होती है, तो ये ना हमारी लाइफ में बड़े इम्पोर्टेंट इंसान है, जो जिनसे हमें मिले नहीं है लेकिन हमारी ऐसी बात होती है जैसे कि हम सदियों से जान रहे हैं, तो अभी उनका ना बेबी हुआ है, लड़का हुआ है उनको, सब कॉन्ग्रेचुलेट कर देना दीदी को, और बहुत ही प्यारा सा बच्चा हुआ है, तो वो हमारे ब्लॉग में देख पा रहे हैं क्योंकि वो ऑब्वियसली अभी डॉक्टर के पास हैं और ये सब, तो उनको लोग ना टीज़ कर रहे हैं कि तू नीतू को बहुत मिस कर रही होगी, दीदी का मैसेज दिखा दो सबको। अच्छा सी, आप एक बार देखो दीदी ने क्या मैसेज करा, कैसा चल रहा है ट्रिप, मस्त फूली फूली रोटियां बना रही है नीतू, आई एम नॉट एबल टू वॉच ऑल व्लॉग्स नाउ, समथिंग न्यू प्लीज अपडेट मी हियर, सब बोल रहे हैं तुम नीतू को मिस कर रही होगी। यार नीतू कितने ब्लेस्ड हैं हम लोग, नहीं बहुत, कि भगवान ने ऐसे ऐसे लोग हमारे लाइफ में दिए हैं। हाँ नहीं सच में यार, नमिता आंटी और कोमल दीदी ना कुछ ऐसे हैं जो कि मैं बता नहीं सकती, वो भगवान को थैंक यू बोलती हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि दूर से भी हम इतना उनको अपडेटेड रखते हैं और वो हमें इतना प्यार देते हैं, तो बहुत खुशी मिलती है। और एक सबसे स्पेशल मेंशन मैं करना चाहूँगा, हमारे जितने भी फैन पेजेस हैं यार, वो इतना प्यार करते हैं, हमारा कोई भी वीडियो आता है, कोई भी व्लॉग आता है, उस पर इतने सारे रील्स बना देते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि एक पावर हमारे साथ है, वो आप लोगों की पावर है, जो हम चलते हैं ना कहीं पैसे सर उठा के हमें पता है यार ये लोग हैं अपने साथ, तो थैंक यू सो मच, जितने भी फैन पेजेस हैं आप सब बहुत प्यारे हो और हमारे लिए बहुत मैटर करते हो यार। क्या आयरा गुड गर्ल है? आज हमारी आयरा ने बोला, बुलाओ बुलाओ जॉनी, जॉनी ईटिंग शुगर टेलिंग अ लाई ओपन योर माउथ। वाह आज इसने यार पहली बार बोला, मुझे बहुत खुशी हो रही है। सो गाइस गड्डी अपनी बिल्कुल रेडी है और हम लोग जान वाले, किधर जा रहे हैं हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं। कहाँ पे? जर्सी सिटी। हमारी बेबी जी को ऊपर बिठाइए पहले आप। जर्सी गार्डन। यस आयरा आयरा, यस मामा, आयरा आयरा, ईटिंग ईटिंग शुगर पापा।
सो गाइस यहां का सबसे बड़ा मॉल जहां हम आ चुके हैं जी, जो भी गाड़ी पार्क कर लेंगे, कैमरा में गाड़ी में रख लेता हूं। सब लोग रेडी? बच्चा पाड़ी यस आयरा रेडी यस। चलो भाई चलो। ए दक्ष तू क्यों बैठ गया? कल तो बैठा नहीं था। आज देखो आज कितनी जल्दी। आज दक्ष शांत है लगसो। आज शांत है? आज दीदी के पास आया ना अभी तो। अब यहाँ पे देख, यहाँ फ्रीडम मिलेगी उसे। अभी देखो जीजू कार पार्क करने जा रहे हैं, तब तक मेरा वेट मत करना। कई बार कार पार्क करने में आधा घंटा लग जाता है। अरे वो खा लिए? कहाँ खा लिए? इसका नाम है द मिलसेट जर्सी गार्डन्स और ये यहाँ का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर माना जाता है। हमें घर के काफी सारे आइटम लेने थे, यहाँ पर आ चुके हैं। नितारा ऑलरेडी वेट कर रही है। बाय चांस मतलब मैं हैंडसम हूँ ये चीज एक्सेप्ट कर ले तू। अलग अलग स्टोर है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। क्यूट। जा 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 बस बस बस, बहुत बढ़िया बोल दिया तूने। अरे वाह, आयरा के लिए तो गिफ्ट आ गया। कैसा है आयरा? अच्छा है, अच्छा है। वाह, वो दक्ष के लिए क्या है ये? फ्रेंड्स नीतू शॉपिंग कर रही है और ये बैग इतना ज्यादा हैवी हो गया, उसने कुछ जैकेट्स वगैरह ली हुई है। मैं भी अरमानी पर ऐसे एक्सप्लोर करते हुए आ गया, देखा तो एक बैग काफी मेरे को फैंसी सा लगा, बड़ा अच्छा सा लगा। मैंने बैग ले लिया, इसका कुछ सामान इसमें रख दूंगा क्योंकि कंधों पे होगा तो वेट भी ज्यादा नहीं लगेगा। अभी हाथ उठा उठा के दुख गया मेरे यार, तो मैं उसको उठा नहीं दे सकता। वो जिद कर रही कि वही उठाएगी, लेकिन यार अच्छा नहीं लगता ना। सो गाइज ये US में एक शॉप है और ये ऐसे लग रहे लहंगे इधर, ये देखो ये मतलब वेडिंग गाउन्स होते हैं ना शायद, इनको यही बोलते हैं भाई। इतने सस्ते सस्ते हैं यहाँ पे, 10-10, 15-15 हज़ार के। मुझे लगा था काफ़ी एक्सपेंसिव होगा, लेकिन कपड़े यहाँ पे बहुत सस्ते हैं यार। और नीतू तो अभी कुछ ट्राई करने गई है, लेकिन इतने हैवी ये लहंगे और गाउन्स होते हैं, अगर पसंद आ भी गया तो हम इसको लेके कैसे जाएंगे US से इंडिया, क्योंकि फोल्ड ही नहीं होंगे ना, तो एक बैग तो अलग इनके लिए ही चाहिए। पर अभी देखते हैं उसको पसंद आएगा या नहीं, ये भी अपने आप में टास्क है भाई। गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, जितने भी यहाँ पर आपको ड्रेस दिख रही है ना, 5-10 हज़ार की रेंज में। मैं वही सोच रहा हूँ यार, मतलब 70-80% डिस्काउंट चल रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। इंडिया में महंगे मिलते हैं यार ये ड्रेसेस? इंडिया में पहली बार तो मिलती नहीं है, बनवानी पड़ती है। गाउन्स है ना? हाँ, इतने सुंदर लगन दिखाओ एक बारी मेरे को। 20 मिलियन की भी हम पार्टी कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ जनवरी में, तो मेरे को उसके लिए ड्रेस चाहिए थी। तो यार ये तो लेके कैसे जाएंगे इसको, इतना ये भारी भारी से होंगे। अरे भाई फोल्ड थोड़ी होगी यार। हाँ लाइट तो है, फोल्ड कैसे होगी? अरे सुन तो ले मेरी माँ, इनको लेके कैसे जाएंगे? तेरे को पसंद भी आ गए तो ये देखो। अरे मैं तो देख रहा हूँ, लेकिन लेके कैसे जाएंगे, सवाल तो वही है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा लक्सू, कस्टम पैसे दे देंगे। देखो 5-10 हज़ार रुपए की ये मिल जाएगी। अरे बात कस्टम की नहीं, लेके कैसे जाएंगे, ये तो एक बैग में आएगा ही नहीं। आ जाएगा, मैं ट्राई। यार इससे परेशान हूँ। ये पहनना है? अच्छा लग रहा है ये? अच्छा लग रहा है? क्या ये ठंड में कहाँ पहनेगी तू? बता नहीं पहन पाऊंगी इसलिए, बट ये बहुत सुंदर लग रही है। अच्छा सच्ची ठंड पहले पहनने लायक नहीं है तू? ये नहीं पहन पाऊंगी। ये क्या ड्रांस क्यों कर रही है सिंड्रेला की तरह यहाँ तू? तो नहीं तू, ये तो अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ जो क्यू है उनको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही। हाँ कुछ और ही भाषा बोल रही है, हमें समझ नहीं आ रही। अब किसी और को बुलाया है। ये ड्रेस आप बिलीव नहीं कर सकते, 3500 की। सच में मुझे इतनी पसंद आ रही है कि पूछो मत। अब वो मेरा साइज चेक करे, अगर मेरा साइज मिल गया तो मैं ये ले लूँगी। लेकिन लगन अगर मैंने ये ले ली और तुमने ब्लॉग में दिखा दो तो मैं उस टाइम ये थोड़ी पहन ली। तो मत ले फिर। अरे मैं खड़ा खड़ा यार दुख गया भाई पैर मेरे। दूसरों के हस्बैंड यहाँ पर खड़े हो, तुम वहाँ पर कोने में खड़े हो। अच्छा कहाँ है दूसरों के हस्बैंड? अरे भाई साहब कैसे हो आप? कैसे हो, सब सही? और घर में सब ठीक ना? क्या ओके, दिस इज द लास्ट वन। इसमें तो हाइड एंड सीक खेल लेगी इसमें तो तू। भाई इससे शिकायत नहीं, आज मेरी शिकायत जीजू से और दीदी से जो इसको यहाँ लेकर आए, और खुद तो कहीं और घूम रहे हैं भाई। मुझे परेशान कर दिया इसने यार। ये भी बड़ा है भाई, और इसको तो तू भूल ही जा, इसको तो तू पहन ही नहीं पाई कभी। नहीं मैं बट ये सोच रही हूँ, बहुत चालू है। क्यों? क्योंकि मैंने छोटे साइज नहीं रखे, सारे बड़े बड़े साइज रखे हैं, क्योंकि जितनी पतली मॉडल्स हैं उनके लिए एक साइज नहीं है। चार पांच ड्रेसेस और पहनती हूँ। अरे ओ, सुन सुन, आजा आजा आजा, चल चल चल। क्यों ऐसा, मेरे साइज ही नहीं है इनके पास। वाह कितनी सुंदर लग रही है, अगर यहाँ पर एक कपड़ा लग जाए। तेरे को नहीं चलना ना आज? अब मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए ड्रेस पिक करके लेकर आओ। मैं पिक करके लाऊं? तू चल ले, मैं बाहर ही चला जाऊंगा अगले गेट से। अब चल ले। ये क्या मेरे को?
अरे बारबी नहीं बाबली बोला बाबली। 2000 years later. भाई कैसा टॉर्चर है यार ये, अब इसके लिए ड्रेस लाओ वरना अनरोमांटिक हो जाऊंगा मैं, मतलब अलग ही पैमाने हैं भाई, बंदा करे तो क्या। अब इसको कोई सी भी ड्रेस लिया के देता हूँ, आनी इसको है नहीं, वैसे भी लूज ही रहेगी, यही ले जाता हूँ, पहननी होगी पहनेगी वरना जल्दी तो चलेंगे कम से कम यहाँ से। अब पहननी हो पहन ले वरना चल ले। Not my size. Even this is not your size. I know, but it's too loose. It's 10, I think. ये भगवान क्या जुलूम है। अच्छा सुन, मेरे सिर चकरा गया, मैं बाहर बैठा हूँ, ठीक है, आ जाइए बाय। अरे वो टॉर्चर की दुकान, चल ले यार, भाग क्यों रही, चोरी करके ले जाएगी क्या, अरे भाग क्यों रही भाई। ये लोग कितनी अच्छी चीज लेके, मस्ट रिमेन आउटसाइड द फिटिंग एरिया, मैं तो कह रहा हूँ मस्ट रिमेन आउटसाइड दिस। ओके गाइस, तो मैंने एक और ड्रेस देखी, इससे पहले वाली एक ड्रेस देखी थी, वो मैंने वो शॉर्ट कटवा दूंगी अभी ब्लॉग में, क्योंकि वो ड्रेस मैंने खरीद ली है, वो इतनी सुंदर लग रही है, वो पार्टी पहनने के बिल्कुल परफेक्ट है। ये भी बहुत सुंदर है, आई नो इट्स वेरी सुंदर, लेकिन ये थोड़ी डार्क हो जाएगी, हमारा डे का फंक्शन है इसलिए, नाइट में होता तो ये हो सकती थी, बट बहुत सुंदर है, वाओ। सो मेरी हो गई यहाँ से शॉपिंग डन, ये मैंने ले लिया है, और मुझे कितना कपड़ा मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन बहुत ही प्यारा ड्रेस है, मैं क्या ही क्या नाम है इसका, डोरा, ये मेल है फीमेल है, हाय डोरा, हेलो डोरा, हाय 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 हाय। गाइस हम हैं कोच के शोरूम में अभी, एंड हम लोग गिफ्ट ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं दीदी और जीजू के लिए गिफ्ट, और हमने एक बहुत ही प्यारा सा अपने बेटे के लिए गिफ्ट लिया है, गुची और ब्राउनी के लिए। मेरे को नहीं पता था कोच के ये पट्टे भी आते हैं, डॉग वाले पट्टे भी, कॉलर्स हैं ये, हमने उनके लिए कॉलर्स लिए, लीश नहीं कॉलर्स। नीरो ट्रांजेक्शन बहुत पहले हो गया, तुमने कार्ड ही नहीं हटाया अपना वहाँ से, हटा लिया, तुमने मेरे कार्ड से किया है, मेरे कार्ड से है भाई, बहुत सारा सामान ले लिया, वैसे नमिता आंटी के लिए भी लिया ना कुछ, नमिता आंटी के लिए भी लिया है, दीदी के लिए भी लिया है, लेकिन दीदी को हम नहीं बता सकते, वरना यहाँ पर नहीं बताएंगे, यहाँ के वापस कर देंगे। अभी हम लोग फूड कोर्ट पर दीदी और जीजू को ढूंढ रहे हैं, अपने आप में टास्क है, ये तो स्ट्रॉलर देखिए, स्ट्रॉलर, क्योंकि दीदी जीजू के पास स्ट्रॉलर है ना, उससे हम लोकेट कर पाएंगे। हाय, मैंने आपको लोकेट कर लिया, ओके ओके चलो, हाँ दिख गए, तो मैं भी आ गया हूँ, सब लेके, जीजू ऑलरेडी लेकर आए हुए थे, खत्म कर लेंगे, कोई नहीं गाइस, मैंने की है अरमानी एक्सचेंज से शॉपिंग, ट्रस्ट मी, इतना सस्ता, इतना सस्ता की पूछो मत, 50% डिस्काउंट चल रहा है और 70% भी डिस्काउंट चल रहा है, जो चीज 15,000 की है वो आपको 5,000 में ही मिल रही है। Oh my God! मैंने तो बहुत सारी चीजें ले ली है, अब देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं कपड़े भी काफी कम लेकर आई थी, ऑर्डर मैं यहाँ पर कपड़े भी काफी कम लेकर आई थी, अब थैंक यू बाय, थैंक यू। तो गाइस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और अब पहले चलेंगे, जीजू कहाँ जा रहे हैं, अब हम दादा चिपोटले, चिपोटले जा रहे हैं, जो कि बहुत फेमस रेस्टोरेंट, आपने 3-4 बार सुन लिया हमारे ब्लॉग्स में अभी तक, जो लोग यूएस में रहते हैं उन्होंने कमेंट्स भी करके बताया, तो हम वहीं जा रहे हैं, वेजिटेरियन लोगों के लिए पैराडाइज है वो जगह। अभी जस्ट ऐसा हो जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, जिस मॉल में हम थे वहाँ पर नीतू सबसे पीछे रह गई, बिकॉज उसको वॉशरूम जाना था, क्या हो गया नीतू, वहाँ पे फायरिंग हो रही थी उधर, वहाँ पर बहुत सारे लोग भाग रहे थे और गोलियों की 2 आवाज आई मुझे, और मैं डर के, एक तो मुझे वॉशरूम जाना था और मेरे हाथ में 2 बैग, मैं आगे भी नहीं जा सकती, पीछे भी नहीं जा सकती, मैं वहीं पर खड़ी हुई थी, सब लोगों की पुलिस थी बहुत सारी, हमारी गाड़ी ऊपर से नीचे तक देखो पूरी शॉपिंग से भरी हुई है, ये 2 महिलाएं जो बैठी है ना, इतनी शॉपिंग करते क्यों, मैंने करी है, एक काम कर इन बैग को मैं भी दान कर देता हूँ यहीं पे किसी को, बैग का लिए मैंने, आ जाओ दीदी, दीदी का मानना है ये लोग बहुत थक गए हैं, ये देखो पापा को देख के कैसे स्माइल कर रही है, मामा को देख के कर रही है, ये लोग लाइन में लगे हुए खाना लेने के लिए, दक्षु बैठो, प्लैंक किस करो, अरे वाह, ये तो रुक गई है लग रही रुक गई थी, आए ना जॉनी जॉनी, आप तो उसके आवाज नहीं आ रही, लेकिन ये बहुत क्यूट लगती है कुत्ते, भाई एक ही लेना, भाई इन्होंने तो देखो लिया राइस बोल, और ऑप्शन मिलने के बाद भी मैं ये आटे का बोल लेगा, ऐसा लग रहा है आटा गूंदा हुआ रख दिया हो यहाँ, ये बुरी तो है, और बहुत ज्यादा स्टफिंग है इसके अंदर, भाई यहाँ कोहरा है काफी सारा आज, हाँ मेरा फोन कहाँ है, तेरा फोन कहाँ है, मेरे पास क्यों होगा भाई, अच्छा। आपके पास है दीदी, थैंक यू दीदी, अच्छा कोहरा है भाई आज, हाँ यहाँ से 30 मिनट लेंगे ना अपने को पहुँचने में, 30 मिनट। सो गाइस हम लोग वापस आ गए हैं, ये सामान दीदी सुबह उतरेगा, मैं आप आगे चलो ना, हाँ हाँ सुबह, ऐसा क्यों वो डाल ले फिर
तो सुबह तू उतारे क्या इसका मतलब है? हाँ तुम तो उठोगे नहीं ना, इससे मुझे उतारना पड़ेगा। आए है, अरे सो गया बच्चा? बच्चा सो गया है। बच्चा ओए कितनी प्यारी लगी। हाँ कार की चाबी मिली मुकैम्बो के पास, और बता नहीं था हमारे साथ केबीसी और खेल रही है हमें बाहर खड़ा करके। भाई चाबी इन्हीं के पास थी, हम वहाँ गाड़ी में है, जीजू ने मुझे बुलाया, हम देख रहे हैं बाकी किसके पास है चाबी। चाबी इनके पास थी और पता होने के बाद भी नहीं बता रही। हम डक्स पे शक कर रहे थे बेचारे पे। सॉरी बेटा मैंने तेरे को बहुत गलत समझा यार। यार इसकी जरूरत तो है नहीं यार, यहाँ पे यहाँ मच्छर वच्छर तो है नहीं, खुशबू के लिए है मेरे ख्याल से बस। ये रहा प्रोटीन शेक जो कि जीजू मेरे लेकर आए थे, इसमें पानी है, इसमें प्रोटीन शेक है, यहाँ सारे अपने एक्सेसरीज अब चार्जिंग पे लगाने पड़ेंगे। और अब मैं सोऊंगा, कल के लिए बहुत एक्साइटेड है, कल हम जा रहे हैं नमिता आंटी के घर। अभी तक का तो प्लान हमारा ऐसे ही, एक बार उनको इन्फॉर्म कर देता हूँ। और क्या, बस कल का दिन बहुत अमेजिंग होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है मेरे लिए। और यार आप लोगों से शिकायत है, आप लोग व्लॉग देख रहे हो, आप लोग लाइक करना भूल जा रहे हो, मेरे को अच्छा नहीं लगता यार प्लीज़। आपको पता है ना आप मेरी फैमिली हो, तो मैं आपसे बड़े हक से बोलता हूँ चीज़ें, तो फिर से हक से बोल रहा हूँ प्लीज़ लाइक करो यार। और मैं तो कह रहा हूँ व्लॉग देखते ही लाइक कर दो, बाद में आप भूल जाते हो, क्योंकि ना मतलब व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं, लाइक्स कम रहते हैं, तो मेरे को देख के अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं लोगों ने वीडियो देखी पसंद नहीं आई हो, ऐसा तो नहीं है ना, तो लाइक कर दिया करो यार प्लीज़। ओके कल मिलेंगे हम लोग, बाय बाय, टेक केयर। और नीतू ने जो ड्रेसेस लिए हैं वो किस लिए लिए वो भी आपको जल्दी पता चल जाएगा। ब्लॉग को लाइक करना मत भूलना, बाय।